उधर दिल्ली हाई कोर्ट ने धोखाधड़ी कर पैसे मांगने के आरोपी की अंतरिम जमानत याचिका रद्द कर दी है। इस मामले में आरोपी की बेटी पर भी मामला चल रहा है। धोखाधड़ी के एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने अनिल कुमार की अंतरिम जमानत रद्द कर दी है। दरअसल अनिल कुमार की बेटी ने अपने ससुराल वालों पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए सुसाइड नोट लिखा था और फिर गायब हो गई थी, जिसके बाद अनिल कुमार ने अपनी बेटी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में अपने दामाद और उनके परिजनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। जो आईओ था दिल्ली पुलिस का, उसको बाय ऑर्डर उसको बोला कि ये इसमें नहीं रहेगा, इस केस में नहीं रहेगा, उसको बर्खास्त किया केस से और उस पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए ऑर्डर किया। फिर भी वो आईओ जाके केस में अपियर हो रहा था और केस में अपियर हुआ इंटरिम बेल में और उनको फैसिलिटेट किया इंटरिम बेल दिलाने के लिए। पर जब फाइनल आर्गुमेंट हुआ तो लर्निंग सेशन जज ने इंटरिम बेल खारिज करी। इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच में सामने आया कि लड़की ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि वो सुसाइड नोट लिखकर बेंगलुरु पहुंच गई है। बेंगलुरु से वो अपने पिता के साथ लगातार फोन के जरिए संपर्क बनाए हुए थी। पीड़ित पक्षीय वकील की माने तो अनिल कुमार की तरफ से इस मामले में पीड़ित से रुपयों की मांग की गई थी, पर अनिल तलान जो है उसको लगा कि ये तो बड़ा इजी मामला है, हम और ऐड सकते हैं, तो वो उसने अपनी डिमांड 2 करोड़ रुपए कर दी कि 2 करोड़ और सारा सामान चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच में खुलासा होने के बाद आरोपी अनिल कुमार और उनकी बेटी पर मुकदमा चल रहा है और इसी मुकदमे में अनिल कुमार द्वारा अंतरिम जमानत की मांग की गई थी, जिसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। विनय सिंह, टोटल न्यूज़।